नमस्कार, मैं हूं तेजिंदर सिंह और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सीमा प्रकाश। उनसे जानेंगे कि आज एक उनका प्रोग्राम हुआ है, एक संस्था वो चलाती हैं, किस तरह से वो संस्था काम करती है उन्हीं के उनसे ही जानते हैं। मैडम बताएंगी, जो आप संस्था चलाती हैं उसका जो नाम है वो मिशन पिंक, ये इसके नाम के पीछे की वजह क्या है, मतलब यही नाम? पिंक से मेरा मतलब, जो हमारी संस्था का जो मेन पिंक से मतलब है वो ये है कि अनीमिया का मतलब खून की कमी। जब खून की कमी होती है तो रंग जो होता है वो गुलाबी की जगह पीलेपन पे आ जाता है। तो हमारा जो पिंक मिशन है उसका ये मेन मोटिव ये है कि हम भारत को अनीमिया से मुक्त करें, जो कि बहुत इजीली करा जा सकता है। पर सारी बात है कि एक मोटिवेशन, एक काउंसलिंग, एक एजुकेशन, जिसके कि इस देश में बहुत ज़रूरत है कि उन्हें कैसा खान पान खाना है, कैसे जानना है कि उनको कहीं अनीमिया तो नहीं हो रहा, क्या क्या उनके सिम्टम्स हैं, क्या क्या किस तरीके से उनको ये पता चलेगा कि वो अनीमिया होने वाला है या हो रहा है या उनको इलाज की ज़रूरत है, तो वो सब हम उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। ताकि जो हमने जो टारगेट किया है वो एडोलेसेंट गर्ल्स, मतलब कि 10 से 19 साल की जो लड़कियां होती हैं उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं। लड़कों में एनीमिया कम देखा जाता है। भारत देश में जो इस एज ग्रुप की लड़कियां हैं उनमें, जो अब तक की हमारी स्टडीज़ हैं उनमें ये पता चला है कि 56% लड़कियां, मतलब 100 में से 56 लड़कियों को एनीमिया होता है। ठीक है, तो हम उसी चीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं कि क्यों हो रहा है। सिर्फ 44 लड़कियां हैं जो कि नॉर्मल हैं और 56 लड़कियां जो कि अनीमिक हैं, है ना, तो उनको हम सही करना चाहते हैं। अच्छा मैम, ये आपकी संस्था है, किस तरह से काम करती है इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हमारी जो संस्था है वो कुछ ऐसे अनजानी नहीं है, सभी लोग उसे जानते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में ही हमारी जो वीमेन डॉक्टर विंग है इसने ये मिशन चलाया, मिशन पिंक हेल्थ। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट थे उनकी सोच और उनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, उन सब के मिला जुला ये प्रयास है और उसमें अब पूरा देश जुड़ गया है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे शुरू हुआ, अब स्टेट लेवल पे मुझे इस यूपी के, वेस्टर्न यूपी का जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो मैं इस पूरे एरिया को, मेरठ तक, बागपत, बुलंदशहर, इन सब एरियाज़ को कवर करने की कोशिश करूँगी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो लोग हैं आपके साथ, अभी पूरे देश की बात की आपने, कितने लोग अभी जुड़े हैं इस संस्था से और जो उनकी किस तरह से काम कर रही हैं, जो आपकी यूनिट हैं उसके बारे में? ऐसा है, इस देश में जैसे हमने जो डिवाइड किया है, स्टेट वाइज डिवाइड किया है, स्टेट्स के बाद फिर उनके और एरियाज़ होते हैं, जोन्स होते हैं, जिनमें कि हमारे IMA की ऑलरेडी ब्रांचेस हैं, 1700 ब्रांचेस हैं जिनमें कि लोग काम कर रहे हैं। और उनके अंडर जैसे एक ब्रांच में लगभग 500 से 1500, 2000, 4000 इस तरीके से मेंबर्स होते हैं। वो सभी मेंबर्स जुड़ जाते हैं और उसके साथ हम कुछ सोशल वर्कर्स को, जो कि सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो महिलाएं डॉक्टर नहीं भी हैं और उसमें काम करना चाहती हैं, तो हम उनको भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। या जो पॉलिटिशियंस हैं या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी जो हैं, जो कि इस चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं, हम उन सबको अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो अभी ये जो है, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि IMA के इतनी सारी ब्रांचेज हैं जिनमें कि ये लगातार काम चल रहा है। जून के महीने से हमने ये शुरू किया और जुलाई तक आते आते ज़्यादातर स्टेट्स ने अपनी जो वीमेन डॉक्टर्स विंग है और मिशन पिंक हेल्थ का जो कोर कमेटीज़ हैं वो बना ली हैं। जैसे कि मैंने भी जो जोनल एरियाज़ हैं, जो हमारे जोन में डिफरेंट एरियाज़ हैं, उनकी कमेटीज़ बना दी है। तो अब उन कमेटीज़ के अंडर वो और लोगों को जोड़ेंगे ताकि वो वहाँ पर इस तरीके के जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, HB एस्टिमेशन है, या टैबलेट्स देनी है, या ट्रीटमेंट करना है, या मदर्स को समझाना है, या उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना है, ये सब कुछ हम शुरू करेंगे। और एक और हमारा जो मुद्दा था इसमें, जो कि हमने वहाँ डिसाइड किया था, कि हम सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर्स प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लड़कियों में। ठीक है, तो वो जो गरीब एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे कि इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो वहाँ हम कोशिश करेंगे कि ये भी
सहूलियत उनको दी जा सके। मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपने बात की कि अनीमिया ग्रस्त लड़कियों के लिए खास एक पहल चलाई है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि अनीमिया से ज़्यादातर ग्रस्त जो लड़कियां हैं वो रूरल एरिया में ज़्यादा मिलती हैं, तो रूरल एरिया में किस तरह का मूवमेंट रहेगा आपकी संस्था का, और अगर वहाँ से जो बच्चियाँ निकल कर आएंगी ग्रस्त, अनीमिया ग्रस्त, उनके इलाज का किस तरह से, मतलब किन हॉस्पिटल्स को चूज़ किया गया है जो आपकी संस्था कराएगी, या उनका कहाँ पर इलाज होगा, ये थोड़ा बताइए। ऐसा है, जैसे जो भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हैं, जो कि वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस संस्था के थ्रू, और हमने कोई ऐसा अंतर नहीं रखा है रूरल, अर्बन, अर्बन स्लम्स या जो भी एरियाज़ हैं। ज़्यादातर हम जो टारगेट करेंगे वो उन एरियाज़ को करेंगे जहाँ हमें लग रहा है कि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, जो कि हम तक नहीं पहुँच पाते, हम उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने कहा आओ गांव चलें, आओ स्कूल चलें, तो स्कूल भी जाएंगे, गांव भी जाएंगे, और वहाँ जाके हम कोशिश करेंगे कि उनको पहली बात तो उन्हें यही समझाया जाए कि हाँ तुम्हें वो जाँच करानी है, एक सुई हाथ में प्रिक करा के और एक जरा सी जांच से ये पता चल सकता है कि खून की कितनी कमी है, तो उसे कराने में कोई नुकसान नहीं है। पर पता है रास्ते में रोड़े आएंगे, अटकलें आएंगी, पर उनको, हमको सबको पार करके हम इस मिशन में कामयाब होंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। यदि सीमा प्रकाश जी, जिन्होंने बताया कि जिन लड़कियों को अनीमिया नामक घातक बीमारी जो कि कही जा सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में इसका आंकड़ा 55% हो चुका है, ये आंकड़ा डॉक्टर सीमा प्रकाश जी के द्वारा बताया गया है मुझे, तो ये जाहिर तौर पर इसे घातक कहा जा सकता है आंकड़े के हिसाब से, ना कि किसी ऐसी घातक बीमारी के हिसाब से कहा जाए, उस पर काम सीमा प्रकाश जी कर रही हैं, इनकी संस्था कर रही है, और अब इनको जो जिम्मेदारी मिली है वो पूरी जोन की मिली है, जोन में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आते हैं, तो अब इस मिशन को और आगे तेज़ी से बढ़ाया जाएगा, और गांव-गांव यानी खासकर रूरल एरिया में जाकर इस मूवमेंट पर काम किया जाएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस खबर को लाइक कर सकते हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमको राय दे सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम, गाज़ियाबाद।